फाइनली ये है 2023 की ऑल न्यू पेशकश अतुल कंपनी तरफ से, अतुल टॉल बॉय। जी हाँ, इनकी ऑल न्यू ये पिकअप देख सकते हैं, थ्री व्हीलर, जो कि बहुत ही बेहतर है। तो क्या कुछ आपको इस गाड़ी में मिल जाता है, पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। 2023 में गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग कितनी है वो भी आपको हम बता देंगे। मिनिमम डाउन पेमेंट स्कीम क्या चलता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देंगे। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाड़ी के ऊपर आप लोग फुल लुक ले सकते हो, बहुत ही बेहतर और शानदार कंपनी लुकिंग आपको प्रोवाइड की है। ये ब्लू कलर कॉम्बिनेशन वो तो मोस्ट डिमांडिंग कलर कॉम्बिनेशन है, सबसे ज़्यादा बिकता है ये कलर। और एक बार गाड़ी का आप लोग लुक ले लो, बहुत अच्छा पेंट की फिनिश की गई है। बैक पे भी देखोगे तो गाड़ी की ओवरऑल अगर हम बात करें चारों साइड से, तो गाड़ी की लुक बहुत अच्छी निकल के आती है। गाड़ी के लुक में कहीं से कोई कमी महसूस नहीं होती है। 600cc का 4-स्ट्रोक वाटर कूल्ड इंजन आपको इसमें देखने मिल जाता है, तो आपको ये चीज़ सारी पता ही होंगी जो आपको इंजन कंपनी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देती है। उसके अलावा टायर साइज़ की बात करोगे तो 10 इंचेस वाले आपको टायर कंपनी प्रोवाइड कर देती है। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। बाकी बैग की लोड कैपेसिटी बहुत अच्छी है, लोड में भी आपको कोई दिक्कत परेशानी इस गाड़ी से नहीं होने वाली है। अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाती है इस गाड़ी की लोड कैपेसिटी, जो कि बहुत अच्छी बात रहती है। 4x6 फीट वाली आपको लोड कैपेसिटी यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कर देती है, तो अच्छा खासा सामान आप लोग यहाँ पे लोड कर सकते हैं। लोडिंग कैपेसिटी में कोई भी आपको दिक्कत परेशानी है शिकायत महसूस नहीं होने वाली है। गाड़ी की लोड कैपेसिटी बहुत अच्छी है, इसके लिए गाड़ी जानी जा रही है, और बहुत अच्छा इसका ओवरऑल रिस्पॉन्स पकड़ा हुआ है मार्केट में। तो ये चीज़ आप लोग देख लो। बाकी फ्रंट से एक बार विंड स्क्रीन एरिया भी ले सकते हो, कितना इसका साइज़ है मिरर का तो एक बार देख लो। अतुल की बहुत अच्छी बैचिंग की गई है, आपको हैलोजन हेडलैम्प सेटअप देखो मिल जाता है, कोई भी आपको ऐसी कमी महसूस नहीं होने वाली इस गाड़ी से। तो एक बार आप लोग ये देख लो, अपना हैलोजन हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है। पीछे की जो लंबाई है इसके डेक की वो आपको 6 फीट की देखो मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी खासी लंबाई है। तो कोई भी आपको दिक्कत परेशानी होगी सामान लोड करने या अनलोड करने में, बहुत अच्छा खासा सामान आप लोग लोड कर सकते हो। तो ये देख लो अपना सस्पेंशन सेटअप, आप लोग फ्रंट से देख सकते हो। कुशनिंग फ्रंट सस्पेंशन सेटअप कंपनी ने प्रोवाइड किया है, स्प्रिंग लोडेड, तो बहुत ही बेहतर सस्पेंशन सेटअप है। लॉन्ग टर्म रिलायबल है, लंबे समय तक कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। सस्पेंशन आपको बहुत ही बेहतर और शानदार देखने मिल जाता है अतुल कंपनी तरफ से, इसलिए इस पिकअप का बहुत ही बेहतर अभी रिस्पॉन्स पकड़ा हुआ है इसने मार्केट में, और बहुत अच्छा आपको ओवरऑल रिस्पॉन्स देखने मिल जा रहा है। उसके आगे बढ़ते हुए बात करोगे तो मैं आपको बता दूँ, इस गाड़ी की अगर हम चौड़ाई की बात कर लें तो 1510 mm की देखने को मिल जाती है, लंबाई 3260 mm की है, ऊंचाई 1700 mm की है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो 240 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। और अगर हम व्हील बेस की बात कर लें, मतलब पहले चक्के से दूसरे चक्के के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2105 mm का देखने को मिल जाता है। और उसके साथ ही साथ इंजन बहुत अच्छा है, 7.1 kW का आपको पावर प्रोड्यूस करके दे देता है। उसके अलावा टॉर्क जो देखने को मिलता है 23.6 Nm का आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है, 23.6 का आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है। तो इंजन बहुत अच्छा है, आपको 5 स्पीड वाला सिस्टम देखने को मिल जाता है गियर में, 4 आपके आगे लगते हैं और 1 आपका पीछे रिवर्स लगता है, तो ऐसा कुछ आपको गियर सिस्टम देखने को मिल जाता है। गाड़ी का आप लोग अगर फ्रंट से बहुत ही बेहतर और शानदार लुक ले सकते हो, कोई भी आपको लुक वाइज प्रॉब्लम शिकायत महसूस इस गाड़ी से बिल्कुल नहीं होने वाली है। गाड़ी की जो प्राइसिंग पड़ती है लगभग 3,20,000 रुपये के आसपास गाड़ी आपको ऑन रोड कॉस्टिंग करती है। अपने नज़दीकी आप लोग जो आपका एजेंसी होंगे वहाँ पर जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा करेक्ट ऑन रोड प्राइसिंग के लिए। डाउन पेमेंट 50,000 रुपये के आसपास जाता है, 40,000 से 50,000 रुपये देके ले जा सकते हैं। देख सकते हैं टॉल बॉय की बैचिंग कंपनी की हुई है, एक बार अंदर भी ले चलते हैं और अंदर भी दिखा देते हैं क्या कुछ देखने को आपको मिल जाता है। तो ये अपना BS6 व्हीकल है, तो आप लोग ये देख सकते हो, पावरफुल इंजन आपको देखने को मिल जाता है, वाटर कूल्ड इंजन है जो कि कंपनी ने क्लियर कट हाईलाइट किया हुआ है, 600cc वाला लगभग इंजन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हेडरूम की बात करोगे तो 165 mm का हेडरूम देखने को मिल जाता है, मतलब आप आराम से बैठ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसकी जो ऊंचाई है 930 mm की ऊंचाई आपको देखने को मिल जाती है। बाकी आपको जो हेड का स्पेस है वो आपको अच्छा खासा कंपनी प्रोवाइड कर देती है। इधर अपने बेसिक कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, अपना एक्सेलेरेटर ब्रेक क्लच वाले सारे सिस्टम आपको फ्रंट और बैक में देखने को मिल जाता है। तो एक बार इसका हैंडल बार भी देख सकते हो, स्पेस अच्छी खासी यहाँ पे दी गई है, स्पेस में कोई भी तकलीफ या दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है। इधर अपना एरिया देख सकते हो, अच्छी खासी यहाँ पे सर के लिए आपको जगह मिली है, तो कोई भी अगर बंदा 6 फीट का भी होगा तो आराम से इस गाड़ी को चला सकता है। सीट बहुत अच्छे हैं, डुअल टोन फिनिश में देखने को मिल जाते हैं, स्टेपनी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। एक्साइड की बैटरी लगी हुई है जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी एक्साइड भी मार्केट में, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आपको लॉक ऑप्शन मिल जाता है, मीटर आपका एनालॉग कंपनी आपको यहाँ प्रोवाइड करती है। अतुल की बैचिंग है और एक बार यहाँ से पूरा फुल लुक ले सकते हो, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे लुक देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हो विंड स्क्रीन एरिया, मतलब शीशा आपका जो है वो अच्छा खासा स्पेशियस देखने को मिल जाता है। तो सामने की सारी चीज़ आपको क्लियरली दिखने वाली है, तो कोई भी आपको देखने में या दिक्कत परेशानी यहाँ कहीं से भी नहीं होने वाली है। यहाँ से अपना पीछे का आप लोग पूरा चीज़ देख सकते हो, 6 फीट के आपको बैग में आपको लंबाई देखने को मिल जाती है, तो एक बहुत अच्छी बात है आपको। तो आपको 6 फीट का डेक जो देखने को मिल जाता है बैक में, अच्छा खासा सामान आपका उठा सकता है और ले जा सकता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात रहती है इस गाड़ी के लिए। अगर हम चेचिस टाइप की बात करें तो मोनोकॉक चेचिस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो ये आप लोग देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे। बाकी तो गाड़ी बहुत ही बेहतर है, कोई भी आपको ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। सस्पेंशन इस गाड़ी के बहुत अच्छे हैं, सस्पेंशन से भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, रबर स्प्रिंग वाले सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, शॉक एब्जॉर्बर, तो बहुत अच्छे सस्पेंशन सेटअप भी कंपनी ने आपको यहाँ पे किया हुआ है।
तो एक अच्छी बात है। अगर हम बात कर लें इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, मतलब इसमें कितना लीटर पेट्रोल अट सकता है, तो लगभग 10.5 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी कंपनी देती है। 10.5 लीटर आपको पेट्रोल अट जाएगा, सॉरी डीजल अट जाते हैं आपके इसमें 10.5 लीटर के आसपास। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हो, 10.5 लीटर डीजल आपका आराम से अट जाना है। बाकी बैग का ये देख सकते हो, लोड कैपेसिटी इससे अच्छी खासी है, लगभग 500-600 केजी के आसपास की आपको लोड कैपेसिटी देखो मिल जाती है। तो कोई भी आपको ऐसी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है। ये देख लो अपने चक्के देख सकते हो बैक के, तो एक बार टायर पे भी आप लोग ध्यान दे लो। लूक टाइप आपको टायर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। बॉडी का जो कलर है वो भी कंपनी अच्छा किया हुआ है। यहाँ पे आपको ये फ्यूल टैंक इसका यहाँ पे दिया हुआ है 10.5 लीटर वाला, तो आपको 10.5 लीटर डीजल यहाँ पे अट जाना है। उसके अलावा इस गाड़ी के लुक्स बहुत अच्छे कंपनी दिए हुए हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आप 2023 में सोच रहे हैं एक बहुत अच्छी गाड़ी पिकअप वाली लेने की थ्री व्हीलर सेगमेंट में, तो बिल्कुल आप लोग अतुल जैम की टॉल बॉय को जरूर एक बार देख सकते हैं। एक नई पहचान कंपनी लेके आ चुकी है 2023 में मार्केट में, बहुत ही बेहतर रिस्पॉन्स है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी कंपनी ने की हुई है। तो कोई भी आपको शिकायत महसूस नहीं होगी। 240 एम की ग्राउंड क्लियरेंस इन्हें मिल जाती है, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी आपके लिए सफिशियंट है, ग्राउंड क्लियरेंस भी कोई शिकायत नहीं होगा। एग्जॉस्ट देख लो, एग्जॉस्ट आपको अंडर बॉडी यहाँ देखने को मिल जाता है। बैक में आपको सारी आपको कूलेंट वाली वाटर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है, 600 सीसी वाला, जो कि बहुत ही भरोसेमंद और शानदार इंजन रहता है। तो इंजन से भी कोई शिकायत नहीं होगी। टेल लैंप आप लोग बैक से देख सकते हो, बल्ब वाले ही सेटअप देखने को मिल जाता है। कंपनी एलईडी कोई भी आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करती है, तो ये चीज़ आप लोग देख लो। अतुल की एक बहुत बड़ी सी बैचिंग देखने को मिल जाती है, अतुल जैम की आप लोग यहाँ पे स्टिकर देख सकते हो, और बैक से एक बार गाड़ी के लुक ले सकते हो। तो ऐसी कुछ गाड़ी आपको बैक से देखने को मिल जाती है, जाली टाइप का लगाया गया है प्रोटेक्शन के लिए, तो एक बहुत अच्छी बात रहती है। तो देख सकते हो एक बार गाड़ी का फुल बैक से लुक ले लो, बहुत अच्छी खासी लुक देखने को मिल जाती है। लुक में कोई शिकायत नहीं है, पावरफुल गाड़ी है, 600 सीसी का बहुत अच्छा इंजन देखने को मिल जाता है। प्राइसिंग बहुत अच्छी है, 3,10,000-3,20,000 के आसपास आपको ऑन रोड कॉस्टिंग कर देती है। मिनिमम डाउन पेमेंट आपको हमने बता दिया 40,000-50,000 रुपये के आसपास जाता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं 2023 में बहुत ही बढ़िया गाड़ी लेने का, तो बिल्कुल आप लोग थ्री व्हीलर सेगमेंट में इस गाड़ी को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से अपनी सारी चीज़ें चेक कर लोगे अपने इंजन के रिलेटेड, तो एक बार यहाँ से ये आपका ओपन हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ से आप ओपन करके सारी चीज़ें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक कर सकते हो। तो ये आपको इंजन के लिए मेनली यहाँ पे दिया गया कि आप यहीं से खोल के अपनी सारी चीज़ें चेक कर लो, बाकी गाड़ी की फुल लुक ले सकते हो, बहुत ही शानदार ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को डिटेल वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोजाना आप सभी के लिए लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं। कोशिश हमारी यही लगी रहती है कि आप सभी को हम बाइक स्कूटर कार और ऑटोमोबाइल्स की दुनिया से अप टू डेट रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भी ढेरों लोगों को शेयर करिएगा, ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। ये अपने पास 2023 के लेटेस्ट वेरियंट अवेलेबल थी, अतुल जैम टॉल बॉय। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।